हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, जैसे कि आगे आप देख रहे हो, ये सारे मेरे सेलोसिया कॉक्सकॉम के प्लांट हैं जो अभी फ्लावरिंग्स पे रेडी हो रहे हैं। ये जितने भी अभी फ्लावर्स आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सारे फ्लावर्स अभी बड़े होने की तैयारी में है। आज की वीडियो स्पेशली फ्रेंड्स यही टॉपिक पे होगी कि सेलोसिया कॉक्सकॉम जो विंटर प्लांट है, जो खूबसूरत सा विंटर प्लांट है, उसकी केयर हम कैसे करें ताकि आपके अभी फ्रेंड्स कुछ ये हिसाब से ये प्लांट आपको बहुत ही अच्छी ब्लूम्स दे सके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये जो प्लांट की तैयारी जो करनी होती है वो करनी होगी आपको मॉनसून की सीज़न से। मॉनसून की सीज़न में फ्रेंड्स अगर ये प्लांट आपका ग्रो होगा तो बाद में अभी जाके ये प्लांट आपको बहुत ही अच्छी ब्लूम्स दे सकता है। तो ये जितने भी प्लांट्स आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सेलोसिया कॉक्सकॉम के प्लांट, ये मैंने मॉनसून की सीज़न में लगाए थे। ये प्लांट अपने आप ही हो जाते हैं। वैसे मेरे यहाँ ये जो प्लांट के फ्लावर्स देख रहे हैं, ये प्लांट के फ्लावर्स के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, बहुत सारे हज़ारों की क्वांटिटी में सीड्स होते हैं जो सॉइल के अंदर फैल जाते हैं। और जैसे ही फ्रेंड्स समर सीज़न आती है, ये सारे प्लांट्स ख़त्म हो जाते हैं, इसके सारे सीड्स फ्रेंड्स सॉइल के अंदर फैल जाते हैं। और जैसे ही मॉनसून स्टार्ट होते हैं, वहाँ से ये फिर से अपने आप ही ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है फ्रेंड्स सेलोसिया कॉक्सकॉम के, ये हमेशा मेरे यहाँ चलता रहता है। तो इजीली फ्रेंड्स ये प्लांट मेरे यहाँ हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स ये प्लांट इजीली नर्सरीज में भी अभी मिल रहा है, अच्छी खासी कंडीशन में मिल जाते हैं। तो आप नर्सरी से भी फ्रेंड्स ये प्लांट अभी आप परचेस कर सकते हो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये प्लांट की मैं आपकी केयर एंड टिप्स बता देता हूँ कि ये प्लांट को कैसे हम फ्लावरिंग्स पे ला सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो ये प्लांट को ख़राब कर सकती है वो है पेस्ट। ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा पेस्ट सेंसिटिव प्लांट है, यानी कि इसके जो पत्ते हैं वो पत्ते खाने वाले कीड़े लग सकते हैं या तो स्पाइडर माइट्स लग सकते हैं। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये प्लांट मेरा स्पाइडर माइट से इन्फेक्टेड प्लांट था। बाद में फ्रेंड्स मैंने इसके ऊपर ओमाइट का स्प्रे किया, ओमाइट का स्प्रे करने के बाद ये प्लांट मेरा सही हुआ। तो ये प्लांट के ऊपर दुनिया भर के पेस्ट लग सकते हैं, तो इसीलिए फ्रेंड्स आपको इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना ज़रूरी है। यहाँ पे एक सवाल आ जाता है, तो क्या हम ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं? ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड में सबसे पहला नाम आ जाएगा वो है नीम ऑयल, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा ये प्लांट के लिए नीम ऑयल, क्योंकि फ्रेंड्स नीम ऑयल की वजह से ये प्लांट की ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाएगी। रुक ये सेंस से हो जाएगी, जैसे कि आप नीम ऑयल का स्प्रे करते हो तो नीम ऑयल एक टाइप का ऑयल होता है जो आपके प्लांट के जो छोटे छोटे होल्स रहते हैं उसके अंदर जाके फंस जाता है, जिसकी वजह से आपका जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ठीक से नहीं कर पाता, अल्टीमेटली आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। तो ये जो प्लांट है स्पेशली फ्रेंड्स, मैं इसके लिए नीम ऑयल सजेस्ट नहीं करूंगा। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने एक दूसरा इंसेक्टिसाइड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है। तो वो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आप हफ्ते में एक बार करिए, और वो इंसेक्टिसाइड का नाम है फ्रेंड्स काका इंसेक्टिसाइड, या तो आप सोनाटा भी ले सकते हो जो हम रोजेस के ऊपर स्प्रे करते हैं। ये सारे ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। ये ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड आपके जो आपके घर में अगर आपने पेट्स रखे हो, यानी कि कुत्ते बिल्ली वगैरह हो, तो उनको भी ये असर नहीं करेगा, हमको भी ये असर नहीं करेगा, और पेस्ट आपके प्लांट के ऊपर नहीं लगेंगे। तो ये एक इंसेक्टिसाइड मैं सजेस्ट करता हूँ। केमिकल में अगर आप जाना चाहते हो फ्रेंड्स, तो ये प्लांट के ऊपर एमिडा क्लोप्रेट का स्प्रे कर सकते हो हफ्ते में एक बार विदाउट फेल। कंपलसरी आपको स्प्रे करना होगा, क्योंकि ये प्लांट के ऊपर अगर आप एमिडा क्लोप्रेट का स्प्रे नहीं करोगे तो बाद में आपके जो प्लांट है वो बहुत ही जल्दी इन्फेक्टेड हो जाएंगे और ये प्लांट आपको अच्छे खासे ब्लूम्स नहीं दे पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स मैंने आपको ये प्लांट के बारे में सबसे पहले बताई है, क्योंकि अगर आप ये प्लांट के पीछे एक बार फर्टिलाइजर भी ज़्यादा नहीं करोगे, लेकिन इंसेक्टिसाइड का स्प्रे अगर आप करोगे तो बाद में ये प्लांट आपको बहुत ही अच्छी ब्लूम्स दे सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है जो मैंने अभी आपको दी है। अब बात आ जाती है फ्रेंड्स ये प्लांट की वाटरिंग रिक्वायरमेंट। ये प्लांट को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ये प्लांट को आपको डेली वाटरिंग करनी होगी। अगर आपने ये प्लांट को थोड़े ड्राई बेसिस पे इसकी सॉइल ले आए तो बाद में ये प्लांट के सारे लीव्स झुक जाएंगे, जिसकी वजह से ये प्लांट ग्रोथ ठीक से नहीं कर पाएगा, इसके लीव्स येलो होकर गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स ये प्लांट को हमें डेली वाटरिंग करनी है ताकि ये प्लांट आपकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर सके। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपके जो प्लांट की सॉइल बहुत ही ज़्यादा सॉगी हो, बहुत ही ज़्यादा चिकनी मिट्टी हो, बहुत ही ज़्यादा सॉगी सॉइल हो, कीचड़ वाली मिट्टी हो, तो ऐसे में पानी मत डालिए। सिर्फ हल्की सी मॉइस्ट सॉइल हो तब आप इसके अंदर पानी डाल सकते हो। तो ये हिसाब की वाटरिंग रहनी चाहिए। सनलाइट रिक्वायरमेंट अभी ये प्लांट को अच्छी चाहिए, जैसे कि फ्रेंड्स अभी हमारे यहाँ टेम्परेचर 30 डिग्रीज के आसपास है और रात का टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास है, तो बाद में अभी ये प्लांट को आप अच्छी खासी सनलाइट दे सकते हो। अगर आप पूरे दिन की सनलाइट देना चाहते हो तो पूरे दिन की भी सनलाइट दे सकते हो, 4-5 घंटे की मिनिमम सनलाइट फ्रेंड्स ये प्लांट की रिक्वायरमेंट है। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स हमें इसको सनलाइट भी प्रोवाइड करनी है। अब बात आ जाती है फर्टिलाइजर्स की। ये प्लांट को बेसिकली फ्रेंड्स पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर्स ज़्यादा चाहिए,
इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। वैसे कोई भी प्लांट हुआ, इवन अपने हाइबिस्कस भी हुए जिसके अंदर मैं जनरली आपको अवॉइड करता हूँ फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर्स देने का, लेकिन वो प्लांट को भी फ्रेंड्स एनपीके रेशियोज चाहिए। लेकिन हर एक प्लांट की एक टाइप की रिक्वायरमेंट्स होती है कि एनपीके रेशियो हमें कौन कौन सी अमाउंट में देने हैं। वैसे ही फ्रेंड्स ये जो प्लांट है हमारे जो सेलोसिया कॉक्सकॉम के प्लांट, उनको पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर्स ज़्यादा पसंद होते हैं, इसलिए हमें पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर्स देने हैं ताकि ये प्लांट की हेल्थ अच्छी हो सके और ये जो प्लांट है ये बहुत ही अच्छे ग्रोथ कर सके। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें आधा चम्मच जितना पोटाश इसकी सॉइल में हर 15 दिन के गैप में डाल देना है। वर्मी कॉम्पोस्ट हुआ या तो काउडंग कॉम्पोस्ट हुआ, ये भी आप इसकी सॉइल के अंदर अप्लाई कर सकते हो, या तो लिक्विड फॉर्म में, जो अगर आप काउडंग लिक्विड अप्लाई करते हो तो उसको आप डाइल्यूट कर लीजिए। जैसे कि एक लीटर जितना काउडंग लिक्विड हमें 10 लीटर नॉर्मल पानी में डाइल्यूट करके हमें ये प्लांट की सॉइल के अंदर एवरी वीक एक बार डाल देना है। 15 दिन में एक बार आधा चम्मच जितना पोटाश इसकी सॉइल के अंदर अप्लाई कर लेना है। तो ये फर्टिलाइजर्स नेसेसरी है। दूसरे स्प्रे फर्टिलाइजर्स में फ्रेंड्स आप हर हफ्ते एक बार इसके ऊपर बैलेंस एनपीके का स्प्रे कर सकते हो, 19 वाला या तो 20 वाला, कोई भी एक बैलेंस एनपीके का स्प्रे करिए। तो बैलेंस एनपीके का स्प्रे की मात्रा हमें एक ग्राम जितना बैलेंस एनपीके लेना है, 1 लीटर पानी में अच्छी तरह मिक्स करके हमें अपने प्लांट्स के ऊपर इसका स्प्रे करना है। तो ये एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये फर्टिलाइजर्स, ताकि आपके ये जो सेलोसिया कॉक्सकॉम के प्लांट है ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर सके। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप मैं ये प्लांट से रिलेटेड देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्लांट एक ऐसे प्लांट है जिसके रूट्स की ग्रिप बहुत अच्छी नहीं होती। यानी कि जैसे ये प्लांट्स बड़े होते हैं बाद में एक टाइप के झुकना स्टार्ट हो जाते हैं, या तो फ्रेंड्स आपको ये प्लांट को स्टिक का सपोर्ट देना होगा, जैसे कि ये जो देख रहे हैं मैंने स्टिक का सपोर्ट दिया है ये प्लांट को, और जैसे ही ये प्लांट और ज़्यादा बुशी होते जाएंगे तो वैसे ये झुकते जाएंगे, इसलिए हमें स्टिक का सपोर्ट देना है। या तो दूसरी चीज़ ये करनी है कि नीचे वाली जितनी भी स्टेम है, ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स ये नीचे वाली जितनी भी स्टेम है वो मैंने कट कर ली है। नीचे से हमें ग्रोथ नहीं लेनी है, हमें ये प्लांट के ऊपर से ग्रोथ लेनी है। जैसे कि ये जो पीछे प्लांट देख रहा है कैसे झुक रहा है ये, तो कुछ ये हिसाब से अपने ही वजन से ये प्लांट झुकना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमें ये प्लांट को सबसे पहले स्टिक का सपोर्ट दे देना है, उसके बाद ये जितनी भी स्टेम है वो नीचे वाली स्टेम हमें हटा देनी है, हमें प्लांट की ऊपर वाली ग्रोथ लेनी है। जैसे कि देख रहे हैं कुछ ये हिसाब से प्लांट की ऊपर से हमें ग्रोथ लेनी है, कुछ ट्री टाइप का हमें ये प्लांट को शेप देना है ताकि ये प्लांट अपनी ग्रिप बहुत ही अच्छी तरह बना सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट टिप है जो आपको फॉलो करनी होगी ये सेलोसिया कॉक्सकॉम के ग्रो करने के ऊपर। अब ये जो प्लांट है फ्रेंड्स कटिंग से भी लग सकते हैं आराम से, ये सीजन में कटिंग से आप इसकी कटिंग लगा सकते हो, और ये प्लांट इजीली फ्रेंड्स सीड से ग्रो हो जाते हैं। कहीं पे भी इसके सीड्स डाल दीजिए, ये प्लांट इजीली सीड से ग्रो हो जाएंगे। तो ये हिसाब से इसकी प्रोपोगेशन भी हो सकती है। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ फ्रेंड्स ये प्लांट से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।